हाल ही में इंडिया में सभी को हिला देने वाला एक दुर्घटना हुआ, तो पहले से आप लोग जानते हैं वो हाल ही में हुआ है, ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है। उस ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बार अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जल्दी होगा। आप लोग जरा एक बात सोच के देखिए, उस ट्रेन में जो भी पैसेंजर थी उन लोगों को उस समय कैसा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। आप लोग एक बार अपनी आंखें बंद करके उस समय जो परिस्थिति हुआ होगा एक बार मन में एहसास करके देखो, आप रो पड़ोगे। किसी को भूख लग रहा होगा तो वो खाने का निवाला खाने जा ही रहा होगा लेकिन खा नहीं पाया। किसी को प्यास लग रहा था, कोई पानी का बोतल पीने के लिए खोल ही रहा होगा लेकिन पी नहीं पाएगा, गले से उतरा नहीं होगा शायद। भारत के कितने लोग, कितने बच्चे, कितने माँ, कितने पापा उस ट्रेन एक्सीडेंट में चल बसे, इसका कोई आइडिया नहीं। तो इसीलिए कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए भाई खुश रहो हर एक पल, और लोगों के साथ भी खुशियाँ बांटो। लड़ाई झगड़ा एटीट्यूड अहंकार ये सब चीज़ों को छोड़ दो भाई, सबके साथ अच्छे से रहो और ज़िंदगी को खुल के जियो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक पल कतरा कतरा जीने की कोशिश करो, खुल के जियो और खुश रहो। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ प्लीज़ शेयर कर दो, उन लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है भाई। ज़िंदगी में पैसा, लोगों को नीचा दिखाना व किसी को बुरा भला करना ये सब मायने नहीं रखता, इसीलिए खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ब्रिंग विथ मी ऑल एक्सपीडी।